थी कविता की ईडी हिरासत, 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि कविता की रिमांड बढ़ गई है और 26 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में रहेंगी बीआरएस नेता के कविता। ईडी ने के कविता की 5 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कहा कि हमें के कविता द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनको कन्फ्रंट करवाना है। हम पहले ही बता चुके हैं कि उनकी भूमिका क्या थी। उसने 100 करोड़ की रिश्वत देने की साजिश रची थी, ये ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया। के कविता की रिमांड को बढ़ा दिया गया है, 26 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगी और ईडी उनसे अभी और बहुत से सवाल पूछने जा रही है। 26 मार्च तक के लिए के कविता की रिमांड बढ़ा दी गई है। देखिए, के कविता और अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन इस पूरे घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जो आबकारी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला है उसको लेकर ईडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बताया कि चेन्नई से कैसा पैसा आया और कैसे बेंगलोर में गया, बहुत डिटेल जानकारी बताया। और ये भी बताया कि ये पूरा ओवरऑल मामला 100 करोड़ का नहीं है, ये ओवरऑल मामला तो 600 करोड़ पहुंचता है क्योंकि बहुत से लोगों को मुनाफा भी मिला है और जिनको मुनाफा मिला है उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। तो पंजाब